असम के मुख्यमंत्री का सामने आया विवादित बयान। आखिर राहुल गांधी से ये क्या पूछ गए हेमंत बिस्व शर्मा, जानने के लिए बने रहें हमारी इस खास पेशकश में। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, तो इसीलिए सभी दल पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को उत्तराखंड के किच्छा में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अपने संबोधन के दौरान शर्मा कुछ ऐसा बोल गए जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने भाषण के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए शर्मा ने कहा, इन लोगों की मेंटालिटी देखो, जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया तो राहुल गांधी ने बोला प्रूफ दो, प्रमाण दिखाओ। अरे आप कौन से पिता के बेटे हो, उसका प्रूफ हमने कभी मांगा है क्या? बस फिर क्या था, यह बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया और लोग इसकी आलोचना भी करने लगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया सामने आई यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, असम के घटिया सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बेहुदा बयान दिया है वो निहायती घटिया और शर्मनाक है और उनकी खुद की पैदाइश का प्रमाण देता है। खुद की बात है कि ऐसे लोग आज सीएम पद पर बैठकर जहर उगल रहे हैं और देश के पीएम अपनी चुप्पी से राजनीति के स्तर को निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी हेमंत पर पलटवार करते हुए लिखा, इस तरह की वाहियात बात करके तुमने तो सबूत दे ही दिया कि तुम एक गिरी हुई पार्टी के तेजी से गिरते हुए नेता हो हेमंत बिस्व शर्मा। वैसे आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब हेमंत बिस्व शर्मा ने इस प्रकार का कुछ बयान दिया हो। वो आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शर्मा के बारे में आपको बताएं तो वो पहले कांग्रेस के ही सिपाही हुआ करते थे, लेकिन साल 2015 में कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बस इसके बाद से ही हेमंत के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रहती है। किच्छा में रैली संबोधित करने के दौरान हेमंत ने शहीद हुए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को बिपिन रावत को भी याद करते हुए उनके नाम पर वोट मांगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें देशहित न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।